हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हैं जेदा एयरपोर्ट पर, हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है। हमने दिल्ली से मैड्रिड की फ़्लाइट ली और बीच में स्टॉपेज था जेदा एयरपोर्ट पर। डिफरेंट एक्सपीरियंस था, सऊदी अरेबिया हमने लैंड किया और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर कोई रूल्स तो नहीं थे, कोई ड्रेस कोड तो नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं हमने फेस किया और एवरीथिंग वॉज स्मूथ। 4 आवर्स के अराउंड यहाँ पर स्टॉपेज था हमारा। उसके बाद हमने वापस से स्टार्ट किया मैड्रिड की तरफ और फ्लाइट्स काफ़ी स्मूथ रही, हमें कोई इशू नहीं हुआ किसी भी तरह का। हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी लगी। एयरपोर्ट पर काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ मैं, बिकॉज़ कोविड की वजह से ट्रैवल बंद ही हो गया था। हमने बुक किया था नॉबटल मैड्रिड सेंटर, जहाँ पर हम 4 दिन के लिए रुके थे। और यहाँ पर थोड़े से रूल्स डिफरेंट होते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी इंडिया की तरह नहीं होती है, हम सब जानते ही हैं। बट अवर स्टे वॉज स्मूथ। और ब्रेकफास्ट का थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं लेते हैं, तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होते हैं। हम फ्रूट्स और योगर्ट्स यही सब पे हमने ब्रेकफास्ट किया और यही ऑप्शन हमारे लिए थे, एंड वी मैनेज समहाउ। एम्बियंस वॉज वेरी नाइस। यहाँ पर एक सेपरेट किड जोन भी है, तो मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड। और अब हम रूम में आ गए हैं। रूम हमारा 5th फ्लोर पर था। रूम काफ़ी स्पेशियस था, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 दिन बिताने थे, तो आई वॉज कंसर्न कि स्पेस सही हो। व्यू वॉज नाइस, रोड साइड की तरफ हमारा रूम था, तो व्यू बहुत अच्छा मिला हमें। बाथरूम है, अब हम यहाँ पर अपनी बस का वेट कर रहे हैं और ये हमारा बस का स्टॉप है, जो कि फेमस प्लेस भी है, बुल फाइटिंग एरिना। यहाँ से हमें टॉलेडो के लिए बस का पिकअप मिलेगा और तकरीबन 45 मिनट्स में हम टॉलेडो पहुँच जाएंगे, विच इज़ अ वर्ल्ड साइड हेरिटेज एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। So journey was also very beautiful, as we can see. ग्रुप में हमने ये बुक किया था। ग्रुप में बस यही कंसर्न रहता है कि आपको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ता है। आप जैसे कि हमारा बाकी का ट्रिप ग्रुप में नहीं था, तो आप अपनी मर्जी से आप कहीं पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट अगर आपने ग्रुप बुक किया है तो उसमें आपको उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। जितना टाइम आपको मिलता है उतने ही टाइम के लिए आप जा सकते हैं। फोटोग्राफ्स के लिए भी वो आपको अलग से टाइम देते हैं, 10-15 मिनट्स। तो हम टॉलेडो पहुंच गए हैं और ये हिल पर है, तो जो जर्नी है वो भी काफ़ी सुंदर है टॉलेडो पहुंचने के लिए। तो बेसिकली मैंने बस से ये सारा व्यू रिकॉर्ड किया है और काफ़ी अच्छा लगता है व्यू। यहाँ से हम पूरा मैड्रिड देख सकते हैं और क्योंकि हिल पर है तो हिल पर व्यू अलग ही आता है और पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं यहाँ पर। सो ग्रुप में ये कंसर्न रहता है, अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो वो आपको, जब हम इस बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने हमें रास्ते में 10 मिनट के लिए उन्होंने ब्रेक लिया और हमें पिक्स के लिए टाइम दिया। और तो हम टॉलेडो पहुंच गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, पुरानी बिल्डिंग्स और बहुत छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर।
बहुत पुराने चर्चेज हैं यहाँ पर जो बहुत फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, एंड ये मैड्रिड, सो ये आपको एक्चुअल स्पेन का फीलिंग देगा बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. तो ये एक शॉप है सैंटो डोम जो काफ़ी पुरानी है यहाँ पर और काफ़ी फेमस है. तो अगर आप कोई भी कन्फेक्शनरी आइटम ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं. यहाँ पर आपको एग फ्री, मीट फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था. और काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर. क्रॉसवाइंड यहाँ का बहुत फेमस है और स्वीट डिशेस, हमने एक पाइनएप्पल डिश लिया था जो हमें काफ़ी पसंद आया. बहुत सारे ऑप्शंस थे. चॉकलेट्स भी यहाँ पर फेमस हैं तो चॉकलेट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे. और स्पेशली अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो यहाँ से आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आप अपने बाकी के दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो बहुत सारे कलरफुल लड्डूज यहाँ पर मिलते हैं जो हमारे इंडिया जैसे ही लगते हैं बट वो थोड़े डिफरेंट हैं बिकॉज वो फ्रूट्स को ड्राई करके बनाते हैं. सो टॉलेडो घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वापस मैड्रिड जाएंगे. तो उसके लिए हमने ट्रेन ऑप्ट की. हम बस भी यूज़ कर सकते थे बट बस हमें थोड़ा मैड्रिड सेंटर से थोड़ा दूर उतारती, इस वजह से हमने ट्रेन ऑप्ट की. एंड द स्टेशन वॉज ब्यूटिफुल. बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर और बहुत ही सुंदर स्टेशन था ये. तो यहाँ पर हर 1 आवर में एक ट्रेन होती है और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है. आपको आराम से अपना टिकट बाय करना है और आपको ट्रैवल करना है और सब कुछ बहुत स्मूथ है प्रोसेस. ट्रेन बोर्ड करने के 1/2 आवर में हम मैड्रिड पहुंच गए थे. और यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा रहती है तो आप सुबह 8 बजे देखेंगे यहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो जाती है और वो धूप शाम के 7 बजे तक रहती है. तो बहुत ज़्यादा धूप होती है तो आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा यहाँ पर अपनी स्किन के लिए. आपको सनस्क्रीन एंड ऑल ये सब बहुत ज़रूरी है. कैप्स, फुल स्लीव टी शर्ट्स ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है यहाँ पर. अब हम आ गए हैं मैड्रिड में वापस और हम आ गए हैं ग्रेविन. एक यहाँ पर स्ट्रीट है बहुत फेमस और वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम शॉपिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम था. तो इस वजह से हमने काफ़ी वहाँ पर सर्च किया और फिर हमें वहाँ पर ज़ारा मिला जो कि काफ़ी नोन ब्रांड है यहाँ पर. यहाँ पर ज़ारा और मैंगो बहुत ज़्यादा फेमस है तो हमने सोचा कि हम ट्राई करते हैं. तो हम ज़ारा स्टोर में गए और ईजी था, हमें नेविगेशन फॉलो करना था तो सब कुछ आप GPRS के थ्रू आराम से जा सकते हैं. तो हम ज़ारा स्टोर पहुंच गए. नए लेटेस्ट डिज़ाइंस, कलर्स सब थे यहाँ पर और ये 3 फ्लोर पर बना था. ग्राउंड फ्लोर पर लेडीज़ का डिपार्टमेंट था और 2nd फ्लोर पर किड्स के लिए था और 1st पर मेन के लिए था. और
और यहाँ से मैंने क्या ख़रीदा वो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। वहाँ से हम पहुँच गए B13, एक यहाँ पर बहुत फेमस बार है, पटाटा ब्रावस खाने, जो कि वेजिटेरियंस के लिए इज़ ओनली ऑप्शन जो आप यहाँ पर खा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी नॉनवेज आइटम्स मिलते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली इन्जॉय। पटाटा ब्रावस भी बहुत टेस्टी था। ये है विजिंग सेंटर, जो कि मैड्रिड की बास्केटबॉल टीम का स्टेडियम है। यहाँ पर फुटबॉल बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ Day 2 शेयर करूँगी जो मेरा स्पेन में रहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनें। थैंक यू सो मच।